इस बुढ़ापे में मेरी शर्म रख, और सिर्फ एक बार मेरी जवानी का जोरो जोश मुझे फिर से वापस कर दे, अता कर दे वही ताकत जो एक दिन थी मेरे दिल में, जवानी का लहू फिर जोश मारे मेरी नस नस में, तेरी कुदरत पलट सकती है सारे कारखाने को। तो आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं एनएसडी रिपैट्री में काम कर चुके, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से गोल्ड मेडल हासिल कर चुके वर्सटाइल एक्टर डायरेक्टर ब्रजेश शर्मा जी। तो मेरा नाम भी पन्ना नहीं बोल के रखती। हाँ क्या करता ब्रजेश सर जी, आपका वर्ल्ड एशिया टीवी के शो रंगमंच और फिल्म में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे आपकी रंगमंच की शुरुआत कब हुई? जी जरूर। एक्चुअली मेरा जन्म जो है वो हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था, तो वहीं पे मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पहले की, और मेरे फादर साहब पहले से ही रंगमंच से जुड़े हुए थे, तो उनको देख देख के ही मैं बड़ा हुआ था। मतलब उनको रामलीला के स्टेज पे और थिएटर में बहुत सारे प्लेज उन्होंने किए थे, तो हम तीनों बहन भाई उनको बचपन से ही देखते थे, तो मुझे लगता था कि क्या मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ क्या। तो स्कूल टाइम में तो इतना मौका नहीं मिला, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो 12वीं क्लास में मैंने एक छोटी सी स्किट में पार्टिसिपेट किया, तो उतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा उस स्किट में, लेकिन वहाँ से एक शुरुआत मिली मुझे। और वो स्किट में इसलिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि जब मैं कॉलेज के नाटक की टीम में गया और मैंने उनको कहा कि मुझे भी नाटक करना है, आप मुझे अपने प्ले में ले लो, तो वो सब हंसने लगे क्योंकि वो सीनियर्स थे और एक्चुअली उनकी सारी टीम पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड थी। तो जो डायरेक्टर थे वो, और मैं बड़ा छोटा दिखता था, वो बड़े बड़े लंबे चौड़े लड़के, तो कहते अच्छा छोटू तू भी नाटक करेगा, मैंने कहा हाँ जी मैं भी नाटक करूँगा। कहते ऐसे नहीं नाटक में काम मिलता, तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा फिर? कहते यहाँ पहले पानी पिलाना पड़ता है, सारे एक्टरों को पानी पिलाना पड़ता है, चाय पिलानी पड़ती है, और स्टेज पे झाड़ू लगाना पड़ता है। एक दो साल जब ये करोगे उसके बाद तुम्हें कोई छोटा मोटा करेक्टर मिलेगा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करने को तैयार हूँ। तो मुझे याद है मैंने एक्टिंग करने के लिए तो वो स्किट में हिस्सा लिया, लेकिन वहाँ मुझे मज़ा नहीं आता था, मज़ा वहीं पे आता था। तो मैं वहाँ पे जाके रात रात तक रिहर्सल में जाके बैठता था, सिर्फ बैठता था और रिहर्सल देखता था, और उनको पानी पिलाता था, चाय पिलाता था, स्टेज साफ करता था, झाड़ू लगाता था। तो उस साल तो वो उनका नाटक हो गया, लेकिन अगले साल क्या हुआ, वो पूरी टीम जो है कॉलेज से पास आउट हो गई, लगभग नई टीम बनाने की जरूरत। हाँ, लगभग मतलब 90% जो स्टूडेंट्स थे वो पास आउट हो गए, सीनियर जो मांग रहे थे अपने आप चले गए, पास आउट हो गए। उसके बाद अगले साल फिर हम बीए फर्स्ट ईयर में जब आए तो वहाँ पे जो नाटक के इंचार्ज थे उन्होंने एक नोटिस लगाया कि भाई हमने नाटक करना है तो नए लड़कों की जरूरत है, तो उनमें मैं भी एक था। बहुत सारे लड़के गए और ऑडिशन हुआ वहाँ पे, स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के दिखाई, तो एक डायरेक्टर आए थे बाहर से, उन्होंने सबको स्क्रिप्ट दी और कहा कि भाई पढ़ के दिखाओ। तो बाई चांस मेरी हिंदी लैंग्वेज जो है वो शुरू से ही बड़ी अच्छी थी, पकड़ थी और थोड़ा सा एक्टिंग की समझ मुझे नहीं पता, क्योंकि घर में एक माहौल था, फादर साहब करते थे, तो मुझे नहीं पता मैं कैसा एक्टर था,
लेकिन जब मैंने डायरेक्टर को ऑडिशन करके दिखाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन सब लड़कों में उन्होंने मुझे स्पेशल मतलब 2-3 बार पढ़वाया और कहा कि ये जो मेन रोल है ना, वो नाटक का नाम था एकता गधा उर्फ अलादात का, शरद जोशी साहब का, तो उसमें एक नवाब का कैरेक्टर था, राजा का, तो वो कैरेक्टर उन्होंने मुझे 2-3 बार पढ़वाया और बोले कि ऐसे बोल के दिखाओ ऐसे, तो जैसे भी उन्होंने कहा मैंने बोल के दिखा दिया, तो बोले कि भाई ये रोल तो तू ही करेगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जो मैं चाहता था वो हो गया, मेन कैरेक्टर मिल गया। तो उस साल वो प्ले हमने किया, जोनल लेवल पे होता है जैसे यूथ फेस्टिवल, इंटर जोन, तो जोनल लेवल पे हमने जब वो प्ले किया तो हमने तो ईमानदारी से कर दिया, हमें कुछ नहीं पता था, तो हमारा वो प्ले जोनल लेवल पे फर्स्ट आया, बड़े खुश हुए। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला। और उसमें मतलब डायरेक्टर ने क्या किया, मेरा पूरा गेटअप जो है वो एक अलग तरह का बना दिया, मतलब मुझे पूरा गज्जा कर दिया, बाल बाल मेरे सारे उड़ा दिए, अजीब सी मूछें दे दी, अजीब सा मतलब वो एक डरावना सा कैरेक्टर बन गया, फनी भी डरावना भी, लुक ही अलग थी, मिक्स कैरेक्टर बन गया। हाँ, तो कॉलेज वाले बड़े खुश हुए। थोड़े दिन बाद पता लगा कि भाई अब दोबारा जाना है जोनल इंटर जोनल लेवल पे, तो क्योंकि हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ती थी तो हमारा इंटर जोनल जो यूथ फेस्टिवल था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हमारा प्ले हुआ और वहाँ पे भी बड़ा अच्छा रहा प्ले, और बड़े अच्छे अच्छे प्लेज और भी बड़े अच्छे अच्छे आए थे। यमुनानगर की टीम बड़ी अच्छी होती थी और नरवाना की टीम बड़ी अच्छी होती थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी टीमें, तो वहाँ पे भी हमारा प्ले फिर से फर्स्ट आ गया और मुझे फिर से बेस्ट एक्टर मिल गया। तो मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और मुझे याद है कि सिर्फ प्ले ही नहीं, हमारे बहुत सारे आइटम जैसे माइम भी, स्किट भी, सब ओवरऑल थिएटर जो, हाँ, उसमें सबने सब में अपना हाँ, पोजीशन हासिल, तो हमें मतलब लग ही नहीं रहा था, हमें लगा कि मतलब खेल खेल भी फर्स्ट आए जा रहे हैं। दरअसल उस वक्त हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरे लोग जब आके हमें बोलते थे बहुत अच्छा किया, कमाल किया, तब हमें लगता था कि शायद हमने कुछ किया है, कुछ अच्छा किया। तो वहाँ से आपकी थिएटर की जो जर्नी है मेन स्टार्ट हुई, शुरू हो गई। तो कॉलेज में आए, कॉलेज में बड़ा प्रिंसिपल सर वगैरह बड़े खुश हुए, सब लोगों को पता लगा। फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमें यूनिवर्सिटी ने रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा हमारे प्ले को, तो वो मध्य प्रदेश में जबलपुर एक शहर है, वहाँ पे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी हुआ था ऑर्गेनाइज, तो वहाँ पे हमने कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से टीम को रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पे हमारा प्ले तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारा पोजीशन शायद थर्ड पोजीशन आई, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्ले आए थे और बहुत अच्छी अच्छी तैयारी करके लेवल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात, लेवल तक हमें तो यही बहुत खुशी थी कि हमें पहले सिलेक्शन हो गई, बेस्ट एक्ट्रेस आ गई और हमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ प्ले करने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज मतलब प्ले आए हुए थे, दिग्गज डायरेक्टर लोगों के प्ले आए हुए। तो बस वहाँ से ऐसा मुझे पैशन हुआ थिएटर का, तो फिर हर साल मतलब यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना, और अगले साल फिर हमने प्ले किया, उसके अगले साल मतलब बीए फाइनल तक मैंने प्ले किया, तो और हर बार हमारा प्ले तब से फर्स्ट आने लगा जोनल लेवल पे, इंटर जोनल लेवल पे। उसका कारण शायद ये था कि हमारे हिसार पे थिएटर का माहौल बहुत अच्छा था, वो इसलिए कि हमारे एक डायरेक्टर जो थे जिनके साथ मैंने पहली बार काम किया, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है अभी, तो वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं, राजीव बच्चंदा जी, तो इरफान खान साहब के वो क्लासमेट थे एनएसडी में, तो उनके साथ हमने अपनी शुरुआत की थी, तो उनके प्ले थोड़े अलग किस्म के होते थे,
ये चीज हमें बाद में पता लगी कि हमारे प्ले फर्स्ट क्यों आते थे, क्योंकि डायरेक्शन में, सेट डिजाइनिंग में, क्योंकि एक बार मुझे याद है हमारा प्ले खत्म हुआ, प्राइज वगैरह मिल गए थे, फर्स्ट आ चुका था, तो जो जजेस थे वो मिलने आए, तो उन्होंने कहा राजू का प्ले है, मतलब राजीव चंदा जी का प्ले है, तो हमने कहा यस, कहते वो डायरेक्टर, हमने कहा, तो बोले फिर तो मतलब अलग ही है वो, है ना, वो लेवल ही अलग है। तो जजेस भी मतलब उनके प्ले देख के बड़े खुश होते थे कि बड़े अच्छे लेवल के वो प्ले करते थे। तो सर अभी तक आप कितने प्लेज में एज एन एक्टर काम कर चुके हैं? कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा प्लेज नहीं कर पाए क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है, बाहर कुछ प्लेज किए ग्रुप्स के साथ, कॉलेज में 3-4 प्ले किए, उसके बाद फिर इंडियन थिएटर में आ गए। इंडियन थिएटर में भी बहुत ज़्यादा प्ले करने का मौका इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि 2 ही साल होते हैं, प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है, और अलग अलग मेथड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी 3 या 4 प्लेज आप कर पाते हो। हाँ, फिर उसके बाद फिर उससे भी ऊपर की जर्नी शुरू हुई और बहुत ज़बरदस्त जर्नी जो रही वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी की, तो वहाँ पे मैंने 6 साल काम किया और वहाँ तो बहुत सारे मतलब करीब 60-70 प्लेज वहाँ किए, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज निर्देशकों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया। तो वहाँ पे आपने हिंदुस्तान में, इंडिया में किया, फॉरेन में भी कभी? फॉरेन में मुझे जाने का मौका नहीं मिला। हाँ, नेपाल में, काठमांडू में हमने कुछ शोज फेस्टिवल किया था, एक टूर हमारा फ्रांस का लगना था लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गया था, लेकिन हमारे साथ में और 1-2 प्लेज थे जिनमें दूसरी कास्ट थी, जैसे मैडम बलजिंदरी, इनका एक सोलो परफॉर्मेंस था ए लड़की, तो इन्होंने चाइना में किया, मॉरिशस में किया, तो अलग अलग प्लेज का जैसे होता है ना, तो जो एक्टर्स उस टीम में होते हैं वही जाके परफॉर्म करके आते हैं। तो रेपेट्री में हमने बहुत सारे प्लेज किए, 6 साल हैं। सर एनएसडी रेपेट्री में आप कितने साल काम कर चुके हैं? मैंने 6 साल काम किया, और एनएसडी रेपेट्री में कोई भी आर्टिस्ट जो है वो 6 साल ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम लिमिट इतने की है, वो 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले साल 1 साल का होता है, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है, फिर तीसरा 3 साल का होता है, तो ऐसे 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने 6 साल पूरे किए वहाँ। तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपको थिएटर के बारे में? एक्सपीरियंस तो वो ऐसा है कि वो समझ लो कि पूरी जिंदगी मतलब आप इतना काम कर चुके हैं जो आप लाइफ में इतना कर नहीं सकते, और ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ, ऐसे ऐसे प्लेज, तो मुझे लगता है कि वो तो एक गोल्डन टाइम था, सुनहरा टाइम था, ऐसा टाइम दोबारा जिंदगी में कभी नहीं आएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर जैसा एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हर साल भारत रंग महोत्सव होता है जी, तो वहाँ पर भी आपको कभी चांस मिला है? बिल्कुल, दरअसल जब हम लोग एनएसडी रेपेट्री पे थे तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे एनएसडी के वो थे मिस्टर राम गोपाल बजाज, तो वो जो भारत रंग महोत्सव शुरू करवाने वाले थे वो राम गोपाल बजाज सर ही थे, और मुझे लगता है कि शायद भारत रंग महोत्सव का पहला नाटक ही हमने, हमारी रेपेट्री के नाटक से ही शुरुआत हुई थी इसकी, बाहर से भी बहुत सारे नाटक आए थे लेकिन उसका पहला प्ले और पहला शो एनएसडी रेपेट्री के नाटक से ही हुआ था, उसकी शुरुआत भारत रंग महोत्सव की आपकी प्ले से हुई थी, ओपनिंग वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आज तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है जी। सर बाहर में भी, हिंदुस्तान, इंडिया के बाहर में भी? हिंदुस्तान के बाहर जाने का बहुत ज़्यादा मौका तो नहीं मिला, एक बार चांस बना था फ्रांस जाने का लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उस वजह से नहीं जा पाए, लेकिन एनएसडी रेपेट्री की बहुत सारे नाटक बाहर जाते रहे हैं, बाहर करके आते रहे हैं। एक बार हमारा फेस्टिवल था 10 नाटकों का, वो काठमांडू नेपाल में था, तो बहुत अच्छा रहा वो फेस्टिवल, लेकिन उसके अलावा भारत के अलग अलग शहरों में हमने बहुत सारे नाटक किए, मतलब
एक एक नाटक के अगर मैं कहूँ अपनी बात कहूँ तो लगभग 100-200, 200-300 शोज हमने एक एक नाटक के किए। सर ये तो है आपके एक्टर जर्नी की बात है। जी, तो एज ए डायरेक्शन डायरेक्टर आप कितने प्ले डायरेक्ट कर चुके हैं अभी तक? जहाँ तक डायरेक्शन की बात हम करें तो मेरा पहला प्रेम तो एक्टिंग से ही था, आज भी एक्टिंग ही मेरा पहला प्यार है। लेकिन जब हम लोगों ने जब मैं NSD रेपेट्री में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और मैं वहाँ से दिल्ली से आ गया, उसके बाद मैंने हिम्मत करी कि क्या मैं नाटक डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश की। तो मैंने कुछ कॉलेजेस में कुछ स्कूल्स में कुछ नाटक डायरेक्ट किए, लेकिन मुझे डायरेक्शन से ज्यादा एक्टिंग में ही मजा आता है सच बताऊं तो। वहां पे भी एक्टिंग करके दिखानी पड़ती है। बिल्कुल दिखानी पड़ती है तो और साथ-साथ में वो भी काम चलता है। वो भी चलता रहता है और मतलब जो एक्टर डायरेक्टर बनता है ना वो तो बहुत ज्यादा कर करके दिखाता है। उसका इफेक्ट भी जो नए एक्टर उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। हाँ, तो मुझे याद है जब मैं मतलब करता था करके दिखाता था तो सब लोग ताली बजाते थे कि सर आप बड़ा अच्छा करते हो, तो मैं कहता था मैं खुद ही एक्टर हूँ, डायरेक्टर इतना अच्छा नहीं हूँ, एक्टर शायद ज्यादा अच्छा हूँ। इसलिए आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो। हाँ, इंडियन थिएटर में मुझे गोल्ड मेडल मिला था दोनों ही साल, तो वो एक मेरे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि गोल्ड मेडल मिलने का मतलब ये माना जाता है कि आप वहाँ के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी स्टूडेंट रहे हो, तो खुद को अच्छा लगता है कि अच्छा हमने इतना अच्छा काम किया यहाँ कि हमें गोल्ड मेडल मिला है। तो ये है सर, जैसे आपने बताया आपके पेरेंट्स से ही विरासत से आपको ये थिएटर का फील्ड मिला है जी, तो जब आपकी मैरिज हुई तो उस समय का माहौल क्या था? तब भी सेम माहौल रहा थिएटर का जो पहले था? देखो मेरे फादर साहब जब मैं पैदा हुआ था बचपन से ही मैंने उनको मतलब 2 साल की उम्र से ही देखता आ रहा हूँ कि वो रामलीला में पार्ट करते थे, रावण का रोल भी किया उन्होंने, सीता का रोल किया, परशुराम का, बहुत सारे रोल, और उनकी जो उनके समय की रामलीला होती थी बड़ी मशहूर होती थी, बहुत अच्छी रामलीला होती थी, और उन्होंने बहुत सारे नाटक भी किए, तो थोड़ा सा मैं उनको बचपन से ही देखता आ रहा था और थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ थी उन चीज़ों की। और फिर शादी भी मतलब एक एक्ट्रेस से हो गई और एक एक्टर ऐसी एक्ट्रेस से हो गई जो मतलब जिसको लोग बहुत अच्छी एक्ट्रेस बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानते थे तब से ही, आज नहीं मतलब NSD के टाइम में ही उन्होंने इतना अच्छा काम कर लिया था कि लोग कहते थे कि मतलब इस तरह की एक्ट्रेस तो बहुत कम देखने को मिलती है, तो पूरी फैमिली में ही फिर वो माहौल बन गया। तो उसके बाद मेरी जो बेटी है वो भी थिएटर से एक्टिंग से जुड़ गई, तो और ज़्यादा अब तो पूरे परिवार पूरी का फैमिली का ही माहौल थिएटर का है, जी, एक्टिंग जी, का है जी। तो अभी आगे पिक्चर मूवीज में काम कर रहे हैं? मूवीज में हाँ मैडम तो कर ही रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ और बेटी भी अभी करने जा रही है दो मूवीज। सर जैसे अलग अलग सेट पे हम इंटरव्यूज करते हैं तो अवसर मिलता है वहाँ पे करने का, आज अवसर मिला है आपके घर पे आके आपकी इंटरव्यू कर रहे हैं जी। तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है आपके घर को। थैंक यू। तो हमें बताएंगे आपकी फैमिली में और कौन कौन है? जी मेरी वाइफ है जैसा कि आप जानते हैं बलजिंदर कौर, वो भी थिएटर से जुड़ी रही है, पहले इंडियन थिएटर पास किया उन्होंने, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी पास आउट है, और उसके बाद आज कल बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी एक बेटी है वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है चंडीगढ़ से ही, और अभी उसने भी थिएटर तो वो स्कूल टाइम में करती रही कॉलेज में भी, अभी वो पंजाबी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है, 2 मूवीज साइन की है उसने, तो अभी तो हमारा पूरा माहौल ही घर का सारा थिएटर और पिक्चर का पूरा माहौल है जी। तो हमने उनकी पिक्चर देखी आपकी बेटी की छलांग, छलांग जी, बहुत अच्छा करेक्टर था उसमें जी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, काफी अच्छी रही है।
सर एनएसडी रिपेट्री में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? कौन कौन से प्ले किए, कौन कौन से डायरेक्टर थे जिनके साथ आपको काम करने का अवसर मिला? जी मुझे लगता है कि मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि मैंने वो जो 6 साल थे रिपेट्री के, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेज किए और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जो इंडिया के बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनका बड़ा नाम है, उनके साथ मैंने काम करके सीखा और बहुत, मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे अच्छे हमने नाटक किए। तो मुझे याद है कि रेपेट्री में जाते ही मैंने पहला प्ले जो किया था, उस प्ले का नाम था दिल्ली चलो, जो उत्पल दत्त साहब का लिखा हुआ नाटक है, और बापी बोस जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है और कमाल के डायरेक्टर, उनके साथ हमने वो नाटक किया था और उसके लगभग 50 से 60 शोज किए थे। और वो नाटक क्या था, वो पूरी मतलब फिल्म की तरह था वो नाटक। शायद मुझे लगता है कि उस तरीके का टेक्निकली पहली बार इंडिया में कोई प्ले हुआ था, क्योंकि उसमें नाटक तो होता ही था स्टेज पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्टर पे दिखाई जाती थी, मतलब उसका मिक्सचर था और उसमें लाइटिंग और साउंड और इतनी गजब की थी। और दूसरी बात ये, एक्चुअली वो नाटक जो है दिल्ली चलो, अगर आपको पता होगा शायद, कि वो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना है, INA बोलते हैं उसको, उसके ऊपर था। तो हमें याद है कि, मुझे याद है कि लाल किला दिल्ली में एक शो हुआ था, तो उसमें दिल्ली चलो का शो हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, और कम से कम वहाँ पे मुझे लगता है 10 से 20 हज़ार लोग ऑडियंस के रूप में हुए, क्योंकि वो ओपन में हुआ था, बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया था और लाल किले में पूरा जो खाली जगह है वहाँ पे ऑडियंस को बुलाया गया था, और वो एक ऐसा नज़ारा था जो हम कभी भूल नहीं सकते। उसके अलावा वामन केंद्रे साहब के साथ मैंने एक प्ले किया था जानेवन, जो मेरी लाइफ का, मतलब मैं कह सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्ले है। एम के राणा जी के साथ हमने कई प्ले किए, मुआवजे प्ले किया, भाट दुहाई प्ले किया, रामगोपाल बजाज सर के साथ भूख आग है प्ले किया, और भानु भारती जी के साथ किया, और मतलब इतने सारे नाम है कि अभी मुझे याद करने पड़ेंगे किस किस के साथ हमने, थिएटर के दिग्गज, प्रसन्ना जी के साथ हमने काम किया, मोहन महर्षि जी के साथ काम किया, त्रिपुरारी शर्मा जी के साथ काम किया, राजेंद्र नाथ जिन्होंने, जिनका एक बहुत ही मशहूर प्ले है जो पूरे इंडिया में पता नहीं उसके हजारों शोज हो चुके हैं, घासीराम कोतवाल, जो राजेंद्र नाथ जी ने डायरेक्ट किया था। तो उस घासीराम कोतवाल के हमने, मुझे याद है 350 शो तो मैंने ही किए हुए हैं उसके, घासीराम कोतवाल के। तो ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं जिनके, किसी के हमने 200 शो किए, किसी के 350, किसी के 400, किसी के 250, किसी के 70, किसी के 80, तो कुल मिला के लगभग 5-6 हज़ार शोज तो हमने किए ही होंगे उन 6 सालों। तो आपके समय में जो आपके को क्लासमेट थे या को एक्टर थे, उनका एक्सपीरियंस क्या, उनके साथ कैसे रहा? इस मामले में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मैं जब रेपेट्री में गया तो सारे ही मेरे सीनियर्स थे जो ऑलरेडी वहाँ 2-2, 3-3 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, मुझे बहुत प्यार मिला। जैसे कुछ नाम तो ऐसे हैं जो आज बॉलीवुड में बहुत बड़े नाम बन चुके हैं, जैसे विजय राज है, मुकेश तिवारी भाई है, और यशपाल शर्मा है, और मेघना मलिक है, और एक नाम ऐसा है जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता और जिनसे मैंने शायद अपनी लाइफ पे सबसे ज़्यादा सीखा है एक्टिंग के बारे में, वो है महेंद्र मेवाती, जिनको हिंदी रंगमंच का राजा भी कहा जाता है। और अभी बदकिस्मती से 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी मुंबई में। उनके साथ मैंने बहुत सारे नाटक किए और उनके साथ मैंने बहुत टाइम बिताया, उनके पास बैठ के बहुत टाइम बिताया, और वो एक ऐसा एक्टर था
कि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा एक्टर देखा ही नहीं कभी। उनसे बहुत कुछ सीखा। तो सर जैसे एक हर अच्छे एक्टर का एक सपना होता है पिक्चर्स में भी काम करे, तो आपने एनएसडी रिपेट्री में काम खत्म करने के बाद कभी उसकी ओर रुक किया? बिल्कुल, एनएसडी रिपेट्री में 6 साल एक्चुअली शायद मैं इंडियन थिएटर करने के बाद ही जाना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मुझे किसी ने बताया कि एनएसडी रिपेट्री में थिएटर भी बहुत होता है और पैसे भी मिलते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। तो मैंने एनएसडी रिपेट्री ज्वाइन की और मेरा हो भी गया बड़ी आसानी से। मतलब वहाँ इतनी आसानी से किसी का सिलेक्शन भी नहीं होता। मतलब मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपना इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे एक बार तो यकीन नहीं आया। तो वहाँ मैंने 6 साल जम के काम किया, जम के थिएटर किया, जम के प्लेज किए और बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे किए। तो फिर मैंने कहा चलो आप मुंबई जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई जाना इतना आसान नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत स्ट्रगल करने पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको वहाँ जाते ही कमरा खरीद किराए पे लेना, रहने का खाने का ये सब, एक साल का इकट्ठा वो सिक्योरिटी ले लेते हैं, फिर आपको रोज़ जर्नी कर दी है, किसी से मिलने जाना है, रोज़ खाना खाना है। वहाँ पे कोई नहीं आपको पूछेगा, आपको जो भी कुछ कर रहा है अपनी जेब से ही पैसा खर्च करके कर रहा है। तो आपकी जेब में अगर पैसे नहीं है तो आपको बड़ा मुश्किल आने वाला है। तो मैं गया और अच्छी बात ये रही कि मेरे जाने के तीसरे दिन ही मुझे काम मिल गया। वो काम ऐसे मिला कि मैं कुछ कॉन्टैक्ट लेके गया था साथ, एक डायरी में ना कुछ फ़ोन नंबर्स लिख के ले गया था। तो मैंने पहले दिन तो नहीं, दूसरे तीसरे दिन शायद अपनी डायरी वायरी निकाल के एक दो लोगों को फ़ोन किए, कुछ लोग तो बिज़ी थे, कुछ से बात नहीं हो पाई। मुझे याद है गजराज भाई जो बहुत सारी फिल्मों में आते हैं आजकल एज एन एक्टर, तो वो एड फिल्म्स बनाते होते थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो कहते हैं अच्छा तू आ गया, तो तू एक काम कर, यहाँ पे अपना ऑफिस का एड्रेस दिया उन्होंने बांद्रा में शायद, कहते यहाँ पे आने में तुझे आधे से एक घंटा लगेगा, तू आ जा। मैं गया और बस कुछ नहीं, उन्होंने कोई ऑडिशन नहीं लिया कुछ नहीं, मुझे देखा और कहते कल सुबह 6 बजे मडाईलैंड पे शूट है, वहाँ पे आ जाओ। तो मैं गया सुबह, अगली सुबह, और वहाँ पे एक पार्ले जी टॉफी का ऐड था और वो ऐड शाम तक ख़त्म हो गया। तो उन्होंने मुझे 2500 रुपये का चेक दिया और वो 2500 रुपये का चेक लेके मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा क्या बात है यार, ये सही है, काम करो और पैसे लो, है ना। जबकि ऐसा भी सुनने में आया था कि यार कई कई दिन पैसे नहीं मिलते, कईयों के तो पैसे ही रख लेते हैं। तो मेरे साथ शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और गजराज भाई बोले कि कोई नहीं, बीच बीच में मैं तेरे को बुलाता रहूँगा, तेरे रोटी पानी का खर्चा तो ऐसे ही चल जाएगा, निकलता रहेगा। तो बस ऐसे कर कर के काम शुरू हो गया और जल्दी मुझे एक राम गोपाल वर्मा की फिल्म बन रही थी जेम्स, तो उसमें भी एक रोल करने का मौका मिला। और गुलजार साहब उन दिनों दिल्ली दूरदर्शन के लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर एक सीरीज बना रहे थे, तो उस पर उन्होंने गोदान जो नॉवल है उसके ऊपर भी एक सीरीज बनाई थी, आज भी वो आती है DD1 पे, बहुत आता है। तो उसमें मुझे एक अच्छा रोल करने का मौका मिला। फिर एकता कपूर का एक सीरियल आता था कहीं किसी रोज स्टार प्लस पे, उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया, एक दो सीरियल और किए। मतलब लगभग मुझे लगता है 10-11 महीने में वहाँ रहा और अच्छा काम मतलब शुरू हो रहा था। एक दो मूवीज़ के लिए और बात चल रही थी, आमिर खान की एक फिल्म थी मंगल पांडे, तो उसमें थिएटर के लोगों को बहुत लिया था उन्होंने, तो उसमें भी बहुत ब्लॉकबस्टर हिट अच्छी फिल्म थी, उसमें भी मेरी कास्टिंग हो ही गई थी। बट अचानक क्या हुआ कि मेरे घर से फ़ोन आता है कि मेरी मदर बीमार हो गए थे बहुत,
और अचानक से मुझे मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आना पड़ा। मतलब मेरा सामान, मैं क्योंकि कमरा तो खाली कर रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं वापस कब आऊँगा, तो मेरा एक दोस्त था पड़ोस में, मैंने अपना सामान उसको रख दिया कि चल तू रख ले, जब मैं वापस आऊँगा तो मेरा सामान दे देगा। तो तब मैं वापस आया और आज तक मैं वापस नहीं गया मुंबई, आज भी वो सामान दोस्त के घर पर है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मुंबई का? एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतने मौके नहीं थे जो आज के समय में है। आज तो वेब सीरीज बन रही है, OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, इतनी सारी फिल्में बन रही है, इतने सारे सीरियल्स, मतलब एक्टर्स को काम करने का अच्छा मौका है और जो भी अच्छा एक्टर है उसको कहीं ना कहीं जरूर मौका मिल जाएगा। एक्टर को अलग अलग माध्यम मिल गए, मिल गया। हमारे समय में दो ही माध्यम थे, सीरियल या फिल्म। तो सीरियल में बड़े सुंदर सुंदर लड़कों को, मॉडल्स को लिया जाता था, फिल्मों में एंट्री करना बड़ा मुश्किल था। तो फिर भी हमने एक दो फिल्मों में शुरुआत कर दी थी, तो ठीक था, अच्छा था। लेकिन उस वक्त ये होता था कि हमें स्ट्रगल करने के लिए हर डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के ऑफिस में खुद वहाँ जाना पड़ता था और वहाँ फोटो देके आते थे सब लोग, जितने भी स्ट्रगलर्स थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं, आज के टाइम में तो व्हाट्सएप पे ही भेज देते हैं ऑडिशन भी। हाँ, तो उस वक्त व्हाट्सएप जैसी कोई चीज़ आई नहीं थी, सिर्फ फोटो देके आनी पड़ती थी। जब वो फोटो देखते थे, अगर उनको लगता था कि हाँ इस फोटो का कैरेक्टर के साथ कोई लिंक है, तो वो फिर फोन करते थे कि आप ऑडिशन के लिए आ जाओ, तो ऑडिशन भी उनके ऑफिस में देख के आते थे। तो जब आप ये स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, तो आपके साथ और कोई आपके एक्टर को, एक्टर फ्रेंड वगैरह, उनके नाम बताएंगे? हाँ, मेरे साथ NSD के कई लड़के उस वक्त, कुछ पहले से जा चुके थे, कुछ हमारे इंडियन थिएटर के लड़के थे, और एक्चुअली वनराई NNP कॉलोनी में हम रहते थे, जो स्ट्रगलर्स के लिए बड़ी फेमस है क्योंकि वहाँ पे कमरा बड़ा सस्ता मिलता है, गोरेगांव ईस्ट पे। तो वहाँ पे उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज के समय के लिए हमें, मुझे लगता है 2200 या 2400 रुपये महीने में कमरा मिला था। एक साल की सिक्योरिटी हमने दी थी, एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था और अटैच बाथरूम, टॉयलेट और एक किचन। सर, जैसा आपने अभी बताया मुंबई में स्ट्रगल का पीरियड चला, पिक्चर के फोटो के पीछे अपना नंबर देके आते थे, जी तो कुछ ऐसे और एक्सपीरियंस बताएंगे? हाँ, उस वक्त ऐसा था कि आजकल जैसे एंड्रॉयड फोन्स होते हैं, व्हाट्सएप ये वगैरह और मेल, तो उस वक्त सिर्फ वो दूसरा फोन होता था जिससे हम सिर्फ कॉलिंग कर सकते हैं ना। तो स्ट्रगल का तरीका ये होता था कि सब लोग जाके किसी अच्छे से फोटोग्राफर से फोटोज़ खिंचवाते थे और उसके प्रिंट बनवाते थे, 100, 200, 400, वो बनवा के फिर हर रोज़ एक लिस्ट बनाते थे स्ट्रगल पे जाने से पहले, जैसे लोग ऑफिस जाते हैं ना, ऐसे लिस्ट बनाते थे कि आज मतलब इस डायरेक्टर से मिलना है, आज इससे मिलना है, इससे मिलना है। फिर उस हिसाब से फ़ोटोज़ भी लेके जाते थे, उसके पीछे एक स्टिकर लगाते थे जिस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा होता था, तो वो हर ऑफिस में देख के आते थे। तो आपके साथ कौन कौन होता था, जो आपके फ्रेंड वगैरह जो साथ? इंडियन थिएटर के भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे रह रहे थे, NNP कॉलोनी गोरेगांव ईस्ट में, और NSD के भी काफ़ी लोग थे। नवाजुद्दीन जो कि आज बहुत बड़े स्टार है, तो मुझे याद है कि कभी कभी नवाज भी हमारे साथ ही स्ट्रगल पे जाता था, तो और भी बहुत सारे लोग। तो मतलब यही होता था कि आप सुबह निकल रहे हो, जैसे आप ऑफिस जाते हो तो स्ट्रगलर का क्या काम है, सुबह उठते ही उसने डायरेक्टर्स को फ़ोन किया जिसने अपॉइंटमेंट दे दी, उसके पास पहुंच गए। और मतलब क्योंकि ऑफिस दूर दूर होते हैं तो टाइम लग जाता है, सुबह निकले तो रात हो जाती थी घर आते आते, तो इस तरह से स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो जब आप मुंबई से वापस आए, आपने बताया मिस हैपनिंग, तो कभी मन नहीं हुआ फिर वापस मुंबई की ओर रुक?
एक्चुअली जब मैं वापस आया था तो एक ऐसी परिस्थिति में आया था कि घर में थोड़ी समस्या हो गई, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और उसके बाद आने के बाद मैंने मतलब अपने शहर में ही कुछ कुछ चीज़ों के साथ जुड़ गया, जैसे रेडियो, उन दिनों एफएम रेडियो नया नया आया था, तो एफएम रेडियो के साथ जुड़ गया, दूरदर्शन के साथ जुड़ गया, फिर मैंने अपना एक खुद का थिएटर ग्रुप बना लिया। तो मुंबई जाने का मैंने इसलिए नहीं सोचा कि मुझे लगा कि वहाँ ना खाली बहुत बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, आप फोटो दे आए, ऑडिशन दे आए, तो आप फोन लेके बैठे हो कि कब फोन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले लगभग 6-7 साल आप इतना ज़्यादा काम करके गए थे, मतलब मैंने इतना ज़्यादा काम किया था कि खाली बैठने की आदत ही नहीं थी, वहाँ पे खाली बहुत बैठना पड़ता था, बुरा लगने लगा, तो बुरा लगने लगा, अपने आप के ऊपर गुस्सा आने लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे और कब तक खाली बैठूंगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक मन में अंतर्द्वंद चलता था। तो मैंने कहा अगर किस्मत में हुआ तो चांस मिल जाएगा, नहीं तो मैं वही काम करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। फिर मैंने आके वापस आके रेडियो से काम शुरू किया, टीवी के साथ जुड़ गया, थिएटर ग्रुप बना लिया, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके एक्टिंग क्लास देनी शुरू कर ली, और वो काम मैं आज तक कर रहा हूँ। वो टीचिंग लाइन में आप ले आए इस थिएटर को? बिल्कुल, आज भी मैं एक्टिंग सिखा रहा हूँ और बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, एक्टिंग कर भी रहा हूँ, मतलब मूवीज में भी काम कर रहा हूँ और सीरियल्स में भी, वेब सीरीज। तो अब तक आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में आप थिएटर क्लासेस ले चुके हैं? हाँ, मैं वैसे तो जब मैं एज फ्रीलांसर काम करता था तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस में, हिसार में, यूनिवर्सिटीज में, जैसे चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार की, वहाँ पर मैं क्लासेस लेता था, वर्कशॉप लेता था, गुरु जब्बेश्वर यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेता था, और हमारे वहाँ हिसार में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डीएड कॉलेज है, जाट कॉलेज है, कॉर्पोरेट कॉलेज है, वहाँ पे मैं थिएटर करवाता था। फिर मैंने 2016 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है फगवाड़ा और जलंधर के पास, वहाँ पे मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर थिएटर डिपार्टमेंट में लगभग 2 से 2.5 साल टीचिंग की। फिर एक फगवाड़ा में ही एक और यूनिवर्सिटी है, जीएनए यूनिवर्सिटी, अगर आपने नाम सुना हो, वहाँ पे थिएटर एंड फिल्म डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी मैंने 1 साल काम किया। और उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए, चंडीगढ़ में शिफ्ट करने के बाद हमने अपना खुद का यहाँ फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट बनाया है वहाँ। तो अपने फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताइए? हाँ, उसका नाम CIFT चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट फिल्म एंड टेलीविजन। तो उसमें हमारे लगभग 10 से 15 स्टूडेंट्स अभी हैं, क्योंकि पीछे लॉकडाउन हो गया था और काफ़ी टाइम वो बंद भी रहा, फिर दोबारा से जब खोला तो लोग डर भी रहे थे आने से, तो अभी मतलब उतने बच्चे नहीं आ रहे जितने बच्चे आने की हम उम्मीद कर रहे थे। तो ये है, और अभी ये सिलसिला मतलब जो मेरा टीचिंग का पैशन है, एक्टिंग सिखाने का, ये तो शायद मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी वो लगातार चलता ही रहे। बाकी फिल्म और उस पर सीरियल में या वेब सीरीज में जब भी मौका मिलता है तो मैं करता हूँ। सर, जैसे अभी आपने बताया स्कूल्स में हरियाणा के किसी टीचर्स को, प्रिंसिपल को पता ही नहीं था थिएटर होता क्या है। जी, ठीक है, तो ऐसे ही पंजाब में भी कुछ ऐसे ही है, उनको पता नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हुई हैं, सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तो फिर बंद भी हो गया, तो आप क्या मानते हैं अभी ये बंद होना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और एक विडंबना है कि रंगमंच या थिएटर एक ऐसी विधा है जो इंसान को, मतलब हमारा तो ये मानना है और सबका ही मानना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, आगे उस बच्चे ने उस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो एक सब्जेक्ट के तौर पे स्कूल में लगा है, जैसे म्यूजिक सब्जेक्ट है, कितना अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन म्यूजिक सब्जेक्ट भी सब लोग बच्चे नहीं कर पाते,
जिनका शौक होता है वही करते हैं, वही आता है। लेकिन थिएटर तो एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है कि मुझे लगता है कि वो तो नर्सरी से लेके ट्वेल्थ तक अगर स्कूल है तो नर्सरी से ट्वेल्थ तक हर बच्चे को कंपलसरी वो थिएटर करवा होना ही चाहिए, चाहे उसने आगे जाके थिएटर लाइन में या फिल्म लाइन में जाना है या नहीं जाना। लेकिन क्योंकि हमने स्कूल में बहुत सारे बच्चों के साथ कई साल तक काम किया है, बलजिंदर मैम ने भी बहुत काम किया, तो हमने देखा है बच्चे को बदलते हुए थिएटर करके बच्चे का पूरा जो है पर्सनैलिटी बदल जाती है, कॉन्फिडेंस आता है बात करने, कॉन्फिडेंस आ जाता है और कैसे खड़े होना है कैसे बैठना है एक अलग ही वो नजर आने लगता है। ठीक है, मस्ट है हर एक स्कूल कॉलेजेस में तो हाँ वो बात बीच में रहेगी। तो अभी जैसे कि CBSE ने ऐसा सुनने में आया कि पहले बीच में कंपलसरी किया था अभी हटा दिया, तो मुझे नहीं पता कि क्यों हटाया, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी मतलब CBSE क्या पूरे देश में ही हर जगह हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में थिएटर सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे डांस और म्यूजिक है, डांस और म्यूजिक कुछ समथिंग, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि थिएटर में इतने सारे लोग आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से कोर्स कर रहे हैं, वो फिल्म नहीं करना चाहते तो वो क्या करेंगे आगे, उनका करियर है, उनको भी अपनी जिंदगी जीनी है। तो अगर स्कूल कॉलेज में थिएटर को एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उनको भी तो वहाँ रोजगार मिलेगा, वापस आके उसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में बिल्कुल वो पढ़ाएंगे, टीचर एज ए टीचर वहाँ काम करेंगे तो उनका भी करियर बनेगा। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि हर आदमी जो थिएटर की ट्रेनिंग कर रहा है वो मुंबई जाके एक्टर नहीं बनना चाहता, और अगर बनना चाहता भी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मुंबई में जाके बड़ा स्टार बन जाए। ठीक है ना, तो कम से कम जो उसने ट्रेनिंग ली है अपने जिंदगी के इतने 4 से 5 साल ट्रेनिंग थिएटर को दिए है, बाकी लोग भी तो MBA करते हैं दूसरे कोर्सेज करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, तो यहाँ से ये ट्रेनिंग करने के बाद कोई ऐसा आगे अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। तो ऐसे बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो थिएटर में इंटरेस्टेड होता है, अच्छी हाँ। एक्टिंग करती हैं, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आगे फिर पिक्चर्स में नहीं जाना, तो उनको बंद कर रोक देते हैं हाँ। अगर ऐसे सब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा स्कूल कॉलेज में तो उनको जाके तो वहाँ पे भी पढ़ाई करवा सकते हैं, वो अपने कम से कम शादी के बाद अपना जो शौक है और जिसके लिए उन्होंने अपने जिंदगी के इतने साल दिए तो वो शौक तो पूरा भी होगा और प्रोफेशन भी साथ में चलता रहेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो मतलब CBSE कंपलसरी करे ना करे लेकिन वो अपने तौर पे पर्सनल तौर पे थिएटर को जिंदा रखे हुए हैं और अच्छे अच्छे टीचर्स को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, तो इस बात की मुझे खुशी है। और मुझे लगता है कि कुछ ही नहीं बल्कि हर इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ थिएटर सब्जेक्ट के तौर पे लगाना चाहिए, या सब्जेक्ट ना भी लगाए तो वहाँ पे थिएटर होता रहना चाहिए, थिएटर के लिए वहाँ एक एक्सपर्ट को वहाँ वो परमानेंटली हायर करके रखे बिल्कुल। तो शायद भविष्य में ऐसा मुझे तो लगता है कि होगा ज़रूर, ये होना भी चाहिए क्योंकि अब जो है थिएटर के प्रति लोगों का आम लोगों का प्यार भी बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि आज के समय में तो फिर भी हम कहीं नाटक करवाने जाते हैं या खुद भी एज एन एक्टर किसी ग्रुप के साथ नाटक करते हैं तो ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, मगर हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। जब हम दिल्ली से आए NSG रेपेट्री करके और अपने शहर में हमने दोबारा से काम करना शुरू करना सोचा तो हमें समझ नहीं आया कैसे शुरू करें क्या करें, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे और पैसा भी चाहिए था। तो मैडम और मैं हमने सोचा कि चलो क्यों ना स्कूलों में जाके बात की जाए, क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल हैं
जो बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सकते थे। तो हम उनके पास गए और हमने उनके जो प्रिंसिपल है या उनके जो मालिक होते हैं उनसे बात की। पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि मतलब थिएटर की क्या ज़रूरत है या क्या कर रहा है, हम तो एनुअल फंक्शन करवाते हैं और बस उस पर 10-15 मिनट का छोटा सा प्ले वो खुद ही टीचर करवा देते हैं, क्या ज़रूरत है। फिर हमने उनको ध्यान से बताया, सारी चीज़ें समझाई, तो उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है। फिर उन्होंने हमें ट्रायल के लिए बुलाया और खुले मैदान में बच्चों के साथ 80-100 बच्चों के साथ छोड़ दिया कि चलो इन बच्चों के साथ आप कुछ करवाइए। तो अब वो समझ लो एक तरह से हमारा टेस्ट था, धूप में लगे हुए हैं और गर्मी है। और अब वो टाइम ऐसा था कि एक पैशन था, जुनून था कुछ करना है, और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ करना इतना आसान नहीं होता शुरुआत में। तो लेकिन करना था, तो शुरुआत की 10-15 दिन उनके साथ काम किया। और जब वो फंक्शन का टाइम आया और जब प्रेजेंटेशन हुई तो वो इतना ज़बरदस्त हुआ प्ले का शो कि सब हैरान रह गए। वो स्कूल वाले खुद ही हैरान रह गए क्योंकि उनके टीचर्स ने ऐसा प्ले कभी देखा ही नहीं था, इस तरह से मतलब वेल डिजाइन्ड ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि अक्सर स्कूल्स में पहले क्या होता था कि वहाँ के जो हिंदी टीचर होते हैं, इंग्लिश टीचर होते हैं, वो खुद ही एक छोटा सा प्ले लिख देते हैं, खुद ही डायरेक्ट कर देते हैं और बच्चों को घर से ही कहते हैं कि कॉस्ट्यूम ले आओ, मम्मा की पापा की ड्रेस ले आओ। तो हमने जाके पहले तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनली खूबसूरत बनाया कि ऐसे नहीं, स्पेशल लाइट्स लगेगी, कॉस्ट्यूम्स बाहर से जो कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम होती है वही पहनाई जाएगी, ठीक है ना, सेट कैसा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें लगा के जब नाटक का शो हुआ तो वो अपने आप में अलग चीज़ थी उन लोगों के लिए, खूबसूरत चीज़ थी। और बहुत सारे स्कूलों में तो ये होता था कि रिकॉर्डेड डायलॉग्स बजाए जाते थे, ये है कि हमने अलग ही चीज़ देखी। कुछ बड़े बड़े स्कूल्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चों से सिर्फ स्टेज पे एक्टिंग करा रहे हैं और स्टूडियो में डायलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं जो लिपसिंग हो रही है, और वो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन हमने कहा ये क्या है यार, इसमें बच्चा सीख क्या रहा है? क्योंकि जो बच्चा लाइव स्टेज पे ऑडियंस के सामने डायलॉग बोल रहा है ऑन द स्पॉट, असली चीज तो वो है। तो जब वो सारी चीजें हमने की तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और शुरुआत में मुझे याद है कि 50 रुपये एक घंटे के मिलते थे, फिर वो धीरे धीरे 100 रुपये हुए, फिर 150 हुए, फिर उनको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको तो परमानेंट सैलरी पे रख लिया जाए। फिर पहले थोड़ी सैलरी, फिर और थोड़ी, फिर एक टाइम ऐसा आया जब एक नॉर्मल टीचर जो सबसे अच्छी सैलरी ले रहा है टीचर, उसके बराबर की सैलरी मिलने लगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और आज के समय में शायद वो जो हमने पौधा लगाया था वो बड़ा हो रहा है, वो इतना बड़ा हो गया कि आज एक दो स्कूल नहीं, हर स्कूल में एक ड्रामा टीचर काम करता है और प्रोफेशनल लेवल पे करता है और उनको बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो ये देख के हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो आपने जो एक शुरुआत की वो आज सक्सेस हो चुकी है। लेकिन अभी वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या कि हर साल इतने लड़के ट्रेनिंग करके निकलते हैं, वो एकदम से जब बाहर निकलते हैं उनके सामने कुछ नहीं है, वो खाली होते हैं, उनको काम चाहिए, उनको पैसा चाहिए। तो सरकार को ये करना चाहिए कि एक तो हर स्कूल में थिएटर को एज सब्जेक्ट कंपलसरी करना चाहिए कि एक बच्चा जो ट्रेनिंग करके आ रहा है वो स्कूल में जाके कम से कम सेटल तो हो जाए। अब हर आदमी तो मुंबई जाके बॉलीवुड में स्टार नहीं बन जाएगा, टीचिंग को अपना प्रोफेशन बना के अपनी आजीविका वगैरह। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं टीचिंग, लेकिन स्कूल वाले या कॉलेज वाले उनको बुलाते ही नहीं, या बुलाते भी हैं तो टेम्परेरी तौर पर बुला लेते हैं।
फंक्शन के लिए बुला, फंक्शन के लिए बुला लेते हैं, तो बाकी टाइम में वो क्या करेगा? तो वो बेचारा फिर ऐसे ही टाइम पास करता है, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, यानी कि एक सेटल लाइफ नहीं जी पाता है। सर जैसा देखा जाए किसी भी सब्जेक्ट की एमबीए होती है, पंजाबी हिंदी म्यूजिक इंग्लिश, तो उसके लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है बीए में ग्रेजुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा क्यों नहीं है थिएटर का भी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, डायरेक्ट उसकी एमए हो जाती है, कैसे होना चाहिए या नहीं होना? बहुत अच्छी बात कही है, जरूर होना चाहिए हर कॉलेज में, मतलब जैसे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे प्रॉपर एक स्टडी होती है, ऐसी थिएटर की भी होनी चाहिए। मतलब भारत सरकार को ये कदम उठा के इस तरह का कुछ करना चाहिए कि आप थिएटर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं प्रॉपर, उसके बाद एमए में एंट्री दे रहे हैं। आजकल क्या होता है, आजकल क्या काफ़ी समय से यही हो रहा है कि एक बच्चा अचानक से दूसरे सब्जेक्ट पढ़ के और थिएटर में एमए करने चला आता है, तो वो दो साल में अचानक से थोड़ी एक्टर बन जाएगा, एक्टर बन जाएगा या थिएटर की पढ़ाई कर लेगा। हालांकि हमने भी वही किया, लेकिन हमें इसलिए अफसोस नहीं है कि हमने वो जो पढ़ाई की वो फिर इतनी अच्छे से की, एमए के बाद हमने वो सारा कवर कर लिया, कवर कर लिया, और उससे पहले भी हमने बहुत सारे थिएटर कर लिया था स्कूल में, तो इतना नहीं लेकिन कॉलेज टाइम में और बाहर ग्रुप्स के साथ अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ कर लिया था। मगर आज के टाइम में तो स्कूल में भी बच्चों के पास बहुत मौका है सीखने का, हमारे टाइम में स्कूलों में उतना नहीं होता था, आज के टाइम में है अपॉर्चुनिटी तो है अगर स्कूल वाले चाहे तो ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी होना चाहिए। नहीं मुझे तो ये लगता है ग्रेजुएशन ही नहीं, ये तो स्कूल लेवल पे ही होना चाहिए। चलो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम जिन स्कूलों में करते थे वहाँ तो हम केजी से लेके ट्वेल्थ तक बच्चों को थिएटर करवाते थे। चलो मान लो सरकार कहती है कि नहीं केजी से नहीं, कम से कम फिफ्थ के बाद शुरू कर दिया जाए, प्राइमरी सेक्शन से, प्राइमरी से शुरू कर दिया जाए हायर स्टैंडर्ड तक, तो आप पांचवी छठी क्लास से थिएटर सब्जेक्ट लगा दें ताकि ट्वेल्थ तक जाते जाते बच्चा बेस बन जाएगा, और ट्वेल्थ के बाद वो अपना माइंड प्रिपेयर कर सकता है कि हाँ मुझे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे को तब तक पता चल जाता है, बच्चे के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि हाँ ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सर जैसे पूरे घर में थिएटर का माहौल है, पिक्चर का माहौल है एज एन एक्टर, तो मिसेज आपके बलजिंदर कौर मैम वो भी थिएटर से पिक्चर से संबंध रखते हैं, तो आपकी उनके साथ मुलाकात कैसे हुई? मेरी मुलाकात मैम के साथ इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में भी वो स्टूडेंट रही और मैं भी वहाँ स्टूडेंट था, तो अब एक साथ ही थे। उसके बाद मैं NSD रेपेट्री चला गया, तो वो इंडियन थिएटर के बाद NSD चले गए दिल्ली, और फिर NSD के बाद उन्होंने रेपेट्री भी की, तो अब क्योंकि चंडीगढ़ से ही हम एक दूसरे को जानते थे और दिल्ली में जो बाहर के लोग होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हैं कि हमारे साथ का कोई हो जिसके तो साथ हम बैठे चाय पिए, तो यहाँ से जाने के बाद वहाँ जाने के बाद हम अक्सर रिहर्सल के बाद या शो के बाद मिलते थे, चाय वाय पीते थे, बातचीत करते थे, और उसी दौरान फिर जब एक समय ऐसा आया कि हमें लगने लगा कि चलो अच्छे दोस्त तो है ही अब, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो हमने अपने एक दूसरे के पेरेंट्स से बात की और पेरेंट्स राजी हो गए, तो हमने सन 2000 में हमने शादी कर ली, तो इस तरह से आज मुझे लगता 20-21 साल हो गए हमारी शादी को, 20 साल की तुम्हारी बेटी भी है। तो मुझे सर जी आपके साथ बात करके आपकी लाइफ के बारे में थिएटर पिक्चर्स के बारे में पता करके बहुत अच्छा लगा, तो आशा करते हैं कि आपका ये जो थिएटर का सफ़र है, पिक्चर्स का सफ़र है, मूवीज़ का सफ़र है, दिन ब दिन आगे बढ़ते जाए। सर जैसा कि आपने बताया आपने बहुत से प्लेज में एज एन एक्टर काम किया है जी, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपनी एक्टिंग का एक छोटा सा जलवा नमूना दिखाएं, कोई डायलॉग हो जाए। चलिए अभी वैसे तो थोड़ा सा मुझे जुकाम है, तो फिर भी आप कहते हैं तो मैं दर्शकों को एक छोटा सा मोनोलॉग है, स्पीच है,
रुस्तम सराब एक प्ले है, पारसी प्ले है, उसका एक छोटी सी स्पीच मैं दर्शकों को सुना सकता हूँ। तो मैं दर्शकों की आंखों से आंखें मिला के वो स्पीच सुनाना चाहूंगा। परवरदिगार, मैंने कभी तेरे कहर गजब को हकीर नहीं समझा, कभी तेरी ताकत के सामने अपनी फारी ताकत का गुरूर नहीं किया। फिर तूने इस जिल्लत की शक्ल में मुझे मेरे किस गुनाह की सजा दी। ऐ खुदा, मैंने कल सारी रात तेरे हुजूर में सिजदाए नियाज के साथ मदद के लिए इल्तजा की है। इस बुढ़ापे में मेरी शर्म रख, और सिर्फ एक बार मेरी जवानी का जोरो जोश मुझे फिर से वापस कर दे, अता कर दे वही ताकत जो एक दिन थी मेरे दिल में। जवानी का लहू फिर जोश मारे मेरी नस नस में, तेरी कुदरत पलट सकती है सारे कारखाने को। फकत इतना कि एक दिन भेज दे पिछले जमाने को। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर, आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने हमारे शो के लिए अपना टाइम दिया, कीमती समय दिया, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपका वर्ल्ड एशिया टीवी के शो रंगमंच और फिल्म में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपके शो में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस हमारे शो के दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि थिएटर से जुड़े रहो। और मैंने कई बार ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट थिएटर को सीढ़ी बनाना चाहते हैं फिल्मों में जाने के लिए, तो सीढ़ी ना बनाए, जितना समय थिएटर करे मन से करे, सिर्फ उसको एक ये माध्यम ना बनाए कि एक दो नाटक कर लिए उसके बाद हम मुंबई चले जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, अभी बात की हमने बजे सर से, बहुत अच्छा लगा, इनसे सीखने को मिला। अगर आपने थिएटर के फील्ड में आना है तो अच्छे से इसको देखिए, परखिए, सीखिए। अगर उसके बाद पिक्चर्स में जाना है तो जी अब जाइए, लेकिन अच्छा प्रशिक्षण लेने के बाद। तो नेक्स्ट शो में किसी और पर्सनैलिटी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहे वर्ल्ड एशिया टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।